हेलो, क्या हालचाल है सबका। आज हम बात करेंगे रिलेज के बारे में। ये वो जादुई इलेक्ट्रिकल स्विच हैं जो आपके घर के उपकरणों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक सबको स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। सबसे पहले रिले होता क्या है, सीधे शब्दों में कहें तो रिले एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है। ये एक छोटे से सिग्नल का यूज करके एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल लोड को कंट्रोल करता है। दो मेन टाइप्स के रिले होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज या EMRs और सॉलिड स्टेट रिलेज SSRs। चलिए EMRs से शुरू करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं कॉन्टैक्ट्स को मूव करने के लिए, जो सर्किट को ओपन या क्लोज करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक छोटा सा रोबोट स्विच को ऑन और ऑफ कर रहा है। इनमें कॉइल, कोर, योक, आर्मेचर और कॉन्टैक्ट्स जैसे पार्ट्स होते हैं। जब कॉइल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो आर्मेचर को मूव करता है और कॉन्टैक्ट का स्टेट चेंज करता है। अब बात करते हैं SSRs की। ये थोड़े हाईटेक होते हैं। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं सर्किट्स को स्विच करने के लिए बिना किसी मूविंग पार्ट्स के। ये ज्यादा फास्ट होते हैं, साइलेंट होते हैं और ज्यादा चलते हैं क्योंकि इनमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते जो खिंच जाए। लेकिन ये हीट जेनरेट कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर हीट डिसिपेशन जरूरी है। रिले अलग अलग कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं, जैसे SPST, SPDT और DPDT, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो और डबल पोल डबल थ्रो। हर एक का अलग पर्पस होता है डिपेंडिंग ऑन कंट्रोल की कॉम्प्लेक्सिटी। रिले क्यों यूज करते हैं, ये एक सिंगल सिग्नल से मल्टीपल सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए और हाई पावर लोड से कंट्रोल सर्किट्स को अलग रख के सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ये आपको HVAC सिस्टम से लेकर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तक हर जगह मिलेंगे। तो बस इतना ही रिले की दुनिया की एक झलक। चाहे आप नए इंजीनियर हो या बस जानने में इंटरेस्टेड हो, रिलेज को समझना इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स को मास्टर करने के लिए जरूरी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही कूल टेक इंसाइट्स के लिए बने रहिए। फिर मिलते हैं।